सेशन के लिए पिछले कई महीनों से हम लोग निकले थे, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों में एक काला कानून इस देश के अंदर पारित किया गया, और उस काले कानून का प्रावधान ये है कि किसी भी निर्दोष को किस तरह से जेल के अंदर ठूस दिया जाए, इसके लिए कानून इस देश में पहले से हालांकि था, लेकिन और उसको धारदार बनाने का एक प्रयास उस मंदिर में हुआ जिसको भारत को संविधान निर्माण का मंदिर कहा जाता है, यानी कि संसद में। हम लोगों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध पूरे देश में हुआ, यानी कि किसी एक जिले में हुआ, हर देश पूरे देश में हुआ। उस काले कानून के बारे में आप सभी जानते हैं, SC ST एक्ट, जो कि हालांकि पारित तो हो चुका था 1989 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पैनल ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत उन्होंने कहीं से रिसर्च किया, रिसर्च में निकल के आया कि इस कानून का उपयोग गलत तरीके से हो रहा है। 78% केसेस जो ऐसे हैं जो कि फर्जी पाए गए, जो सिर्फ द्वेष की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे पर लगाकर लोगों का इसका मिसयूज किया गया इस कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इसमें गिरफ्तारी तभी होगी जब ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है कि ये व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। बड़ी सामान्य सी बात थी, अगर कोई जज है निर्णय दिया था, लेकिन इस छोटे से निर्णय के बाद 2 अप्रैल को ये पूरे देश में हाहाकार मचा। अपने आप को कमजोर, दलित, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ लोगों ने 2 अप्रैल को पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। पूरे देश में दंगे हुए, 18 लोगों की जाने चली गई, पता नहीं कितने, एक सरकारी अनुमान के मुताबिक 2,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसको आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा निर्णय लिया था कि किसी बेचारे किसी निर्दोष को सजा ना हो। लेकिन हुआ क्या, परिणाम आप लोगों ने देखा, देश में एक माहौल बना और पहली बार इस कानून के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठनी शुरू हुई, और इसी के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सब जगह हम लोगों ने 6 सितंबर को आह्वान किया। 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। आप लोग सब जानते हैं कि इस न्याय के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, और इतने बड़े आंदोलन में भी 1 रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि देश हमारा है, इस देश का जर्रा जर्रा हमारा है, इस देश की जो भी सरकारी संपत्ति वो हमारी है, हमारे नागरिकों के लिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए।